ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं कामिनी खन्ना आप सभी श्रोताओं का करती हूँ तहे दिल से स्वागत। कैसे हैं सब लोग आप? आशा है आने वाले त्योहारों की तैयारियां हो रही होंगी, दिवाली की सफाइयां हो रही होंगी और आने वाले सभी त्योहारों की मेरी ओर से आप सभी को बहुत सारी बधाइयां। 16 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक का ये भविष्य है, राशि भविष्य, साप्ताहिक भविष्य, आप इस पर ध्यान दीजिए। बुध अस्त हो गए थे 13 तारीख को और सूर्य तुला में प्रवेश कर जाएंगे 16 तारीख को। 21 तारीख को बुध तुला में प्रवेश कर जाएंगे। संकष्टी चतुर्दशी है, करवा चौथ है 19 तारीख को, तो हमारी बहनों को बधाइयां। और 18 तारीख को सर्गी करेंगी ये सुबह 18 तारीख की 12 बजे के बाद, मतलब सुबह 19 की सुबह, और 19 को ही संकष्ट चतुर्दशी है, करवा चौथ है। गुरु उदय हो गए हैं और सूर्य स्वाति नक्षत्र में 23 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि, दोपहर तक चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे और आपको ये 2-2.5 दिन बहुत ज्यादा अच्छे जाने वाले हैं। हालांकि उच्च का बुध जो जाके षष्ठ में बैठ गया, बुधादित्य योग उसने षष्ठ में किया, तो आपके रोग ऋण शत्रुओं से आपको जो परेशानी हो रही थी वो कम हो जाएगी। तबीयत अभी संभाले रखनी है आपको, और कोई उधर से रिलेटेड हमारी बहनों को कोई यूट्रस से रिलेटेड परेशानी हो तो प्लीज उसका चेकअप करवाएं। आपके भाग्य के लिए आप आक्रामक रूप से काम कर रहे हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपको हाई बीपी की तकलीफ ना हो इसका ध्यान देना है। आने वाला करवा चौथ आप सबको अच्छा जाएगा वृषभ राशि वालों को, क्योंकि आपके दिमाग पर बुधादित्य योग बना हुआ है, तो आप बहुत ज्यादा उद्यत होके और बहुत ज्यादा समझदारी से ये व्रत और तप और हर तरह से काम भी में जुटे रहेंगे आप। वैसे आपको काम की ओर से परेशानी बहुत दिनों से चल रही है, घरेलू परेशानी भी है, मैं समझ सकती हूँ, इन सबसे छुटकारा मिलेगा आपको 24 जनवरी के बाद। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब उच्च के बुध आपके चतुर्थ में, और कोई घर खरीदने की या कोई खरीदो फरोख्त करने की, जमीन जुमला अगर आपका कोई मन हो तो कीजिए। आपके काम दनादन बढ़ रहे हैं और आपके काम की वजह से आप बहुत थक रहे हैं, मैं समझती हूँ। अभी फिलहाल मंगल की दृष्टि की वजह से आपको तबीयत में भी थोड़ी नासाजी बनी हुई है, और आगे चलकर जब मंगल बदलेंगे तो आपके धनागमन भी होगा, चिंता ना करें। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी आज दशम में, तो पैसे बनाने का काम करने का दिन, और बुधादित्य योग बना हुआ है आपके पराक्रम में, आपके सिबलिंग्स आपका बहुत साथ दे रहे हैं, परिवार में अभी असंतोष बना हुआ है, आप हो सके तो पंछियों में दाना डालिए, कुछ वृद्धों की सेवा कीजिए शनिवार वाले दिन, और मन शांति चाहिए आपको कर्क राशि वालों को, तो आप बहुत सारा पानी पीजिए और चंद्रमा के दर्शन कीजिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके परिवार में खुशी छाई हुई है, बुधादित्य योग बना हुआ है, बहुत सारी खुशियां आपके घर पधारी हैं, और आप सोच बड़ी गुस्से वाली हुई है उसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इन दिनों एक तो लग्न में राहु है आपके, गायत्री की आराधना करने मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक बात से आपको संतोष है कि धनागमन हुआ है, धन यानी कि पैसा है, दिवाली आपकी अच्छी जाएगी। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न में बैठा बुध आपको बहुत सारी दिलवाता है चांसेस, और काम में लगे रहिए, आपकी पर्सनालिटी में निखार आया हुआ है, आपके परिवार में कुछ लोग और आपकी माता जो हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई तकलीफ में हैं तो उनका चेकअप कराइए, अगर आपके सिबलिंग्स कोई परेशानी में हैं तो उनका भी साथ दीजिए। कर्म क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी हो रही है और आपको बहुत फायदा हो रहा है, मुबारक हो। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी स्वस्थ है शनि के साथ में, अपने से द्वितीय में, तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी बलि हुआ, और पैसे जो रुके हुए हैं वो पहले भी आपको बताया है कि 2-4 महीने रुक रुक कर आपके पैसे आएंगे, बस गलत मत सोचिए, ऑकल्ट पावर्स की तरफ ज्यादा मत झुकिए, और अगर कोई विदेश से रिलेटेड कोई समाचार आता है, कोई काम आता है, ऑफर आता है तो जरूर कीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्न में बैठा शुक्र आपको बनाता है रोमांटिक, हालांकि शनि की वजह से आप बहुत ज्यादा त्रास में थे 2 साल से, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ी और पैसे कम, अब पैसे आने की पूरी उम्मीद है, कॉल कीजिए लोगों को जो आपसे पैसे देने के जिनको जरूरत है और दे नहीं रहे उनको कॉल कीजिए, वो आपको पैसे देंगे। इन दिनों आपके घर परिवार में जो असंतोष आपके मातहत लोगों से बना हुआ है उसको दूर करने के लिए आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना। धनराशि, धनराशि के लिए आपके कर्म क्षेत्र में बुधादित्य योग बनकर आपकी माता को बहुत बड़ा काम दिलवाता है और आपके माँ को बहुत आगे बढ़ाता है, आपकी मम्मी भी अगर
वर्किंग लेडी हैं, तो आपकी तरह उनकी भी उन्नति हो जाएगी और आपकी उन्नति भी होगी। आप उनके लिए बहुत सही सोच रहे हैं इन दिनों। और अगर आपको कोई विदेश से कारोबार अभी आता है तो लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा जनवरी तक रुक जाइए। भाग्य में अभी रुकावटें थोड़ी बहुत बनी हुई हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपकी भाग्य की रुकावटें दूर हैं और आपको बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं, आप उनको एक्सेप्ट कीजिए। हालांकि परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो पेट में बातें रख के आपको परेशान किए जा रहे हैं। धनागमन नहीं हो रहा है, दिमाग सही चल रहा है। आपके बच्चे आपका आप सपोर्ट करना शुरू कर दिया है उन्होंने, और वो विद्या पढ़ाई भी बराबर कर रहे हैं, तो उनके सपोर्ट से आप आगे बढ़िए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शनि अभी तक अस्वस्थ है, लेकिन अब आगे इस रखने को तैयार। तो बस थोड़े ही दिनों की बात है, 24 जनवरी के बाद आप इस त्रासदी से मुक्त होंगे और आपके बराबर दिमाग भी चलेगा, आपके पैसा भी आएगा और जो जितनी परेशानियां बनी हुई थी वो आधी हो जाएंगी। हेल्थ को भी आपको अभी इलाज मिल गया है, जो आपके अनबन है आपकी पत्नी या पति या स्पाउस की या पार्टनर से, उसके लिए आप कर सकते हैं सूर्य के दर्शन। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके स्पाउस या पत्नी या पार्टनर से आपको बहुत बड़ा सपोर्ट और उनके साथ मिलकर आप कारोबार भी कर सकते हैं। भाग्य की अड़चनें अभी बनी हुई हैं, आपके विरोधी आपके प्रबल हुए हैं, उनकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। और अभी जो द्वादश में केतु बैठा हुआ है वो आपके अगर कोई प्रेम संबंध है तो उनमें भी आपको शांति नहीं दिलाता। थोड़े दिन की बात और है, आप इन स्थितियों से बाहर हो जाएंगे, अभी थोड़ा रुक जाइए। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आपको बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का भविष्य, फिर इसी तरह साप्ताहिक भविष्य आपको बताऊंगी समय समय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। इतना जान लीजिए, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है वृद्धों की सेवा करें और पौधे लगाएं। पौधे लगाने से पॉल्यूशन नहीं होता और साथ साथ में व्यवसाय की वृद्धि होती है, और वृद्धों की सेवा करने से आशीर्वाद भी मिलते हैं और स्वस्थ समाज की रचना होती है। गॉड ब्लेस, टेक केयर।